निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलीटिलिटी मार्केट में पॉसिबल है आज और अब मैं आपको बताता हूँ आज आपको ट्रेड को किस तरीके से देखना चाहिए कुछ देर में ग्लोबल की उसको डिटेल में समझेंगे लेकिन वो जो एनवीडिया के नंबर्स आए ना वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए और वो जो स्टॉक है वो आफ्टर आवर्स में करीब करीब आठ परसेंट के करीब ऊपर था तो अच्छा कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें मैं ये देख रहा था कि ऑप्शंस डेटा के हिसाब से आजकल अमेरिका में लोग थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनवीडिया या तो दस परसेंट ऊपर या दस परसेंट नीचे okay. अभी लाइफ में यही हो गया मामला बीच का कोई बीच का कोई वो नहीं रहा है। तो वो इसीलिए वो आठ परसेंट आठ परसेंट पे भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन जो ट्रेडर है वो पैसा लूज करेगा एक्चुअली hmm. क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से बिल्टिन हो जाते हैं तो लेकिन उसका हम इंडियन मार्केट में किस तरीके से वो करें हमारा ट्रेडर बहुत स्मार्ट है हमारे ट्रेडर को पता है कि आज नेस्डेक चलेगा ठीक है ना क्योंकि नेस्ट भाई एनबीडिया कल आज खुलेगा वो तो आज चलेगा तो वो आज पहले ही शायद आईटी स्टॉक्स ऊपर खुल जाए हाँ। ये पॉसिबिलिटी है कि गैप अप ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में आज हो जाए लेकिन